तो फ्रेंड्स, अब फिलहाल हम चल रहे हैं मुंबई। लॉकडाउन का दौरान चल रहा था और पिछले लंबे समय से हम यहाँ पे बैठे हुए थे घर पे। करीब 2 साल हो गया घर पे बैठे हुए। इसके पहले भी हम अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काम करते थे, 4 साल तक काम किया। और उसके बाद से लॉकडाउन का महामारी था, उस दरमियान जो है कि हम घर चले आए और अभी हम 2 साल तक घर पे रहे हैं। और आज हम जो है कि मुंबई निकल रहे हैं, रात में 10:30 बजे हमारा गाड़ी है और अब हम रेडी हैं, बैग हमारा रेडी हो चुका है। और उसके बाद से यहाँ पे फ्रेंड्स हम कुछ खाने पीने का सामान ले लिए हैं और अब हम निकलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम मुंबई चलने के बाद से हमारा जो मेन उद्देश्य है वो मतलब आउट ऑफ कंट्री जाने का है, जिसकी वजह से हम मुंबई जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम ये भी दिखाएंगे कि बाहर जाने के लिए कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना होता है और कौन सा प्रोसेस सही होता है जिसके माध्यम से आदमी ठगी का शिकार नहीं होता है। अदरवाइज मुंबई में बहुत सारे लोग जो हैं, जो क्लाइंट है, जो मतलब ग्राहक है बाहर जाने के लिए, उनके साथ धोखा कर देते हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर जो है कि सलाह दे सकें या तरीका बता सकें जिससे कि आप ठगी का शिकार ना हो। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अब जाके पहुँचे हैं हम गोरखपुर। ये गोरखपुर का बस स्टैंड है और यहाँ से हमें पैदल चल के जाना होगा रेलवे स्टेशन। तो ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट चलेंगे तो हम रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब हम पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ पे बात करते हैं। और फ्रेंड्स हम फाइनली पहुँच चुके हैं गोरखपुर। पूरे 2 घंटे लगे हैं हमको घर से और यहाँ गोरखपुर तक पहुँचने में। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है और हम बस से चल कर के आए हैं। तो 2 घंटा पूरे समय लगा है, 2 घंटे बाद हम पहुंचे हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये है हमारे यहाँ का गोरखपुर रेलवे स्टेशन, हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी है। तो अब हम गोरखपुर पहुंच चुके हैं और अब अंदर चलेंगे, अंदर का सीन दिखाएंगे और हम आपको बताते हैं कि हमारा बर्थ जो है अपर में है। तो फिलहाल वेट कीजिए, मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन का सीन और साथ में अपना ट्रेन और बर्थ भी दिखाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम ट्रेन के अंदर इंटर हो चुके हैं और अभी रात के 9:35 हो रहा है। अभी हमारा गाड़ी छूटने में 1 घंटा का लेट है, तो अब हमें किसी बात का टेंशन नहीं है। और रास्ते का सफ़र मैंने आपको दिखा नहीं पाया, चूँकि रात का मौसम था, विजुअल क्लियर नहीं आ रहा था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम आगे आगे जो है कि आपको दिखाते चलेंगे। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, टॉयलेट के बाजू में जो गेट है, गेट के जस्ट पास में ही हमारा अपर साइड का सीट मिला है। ये हमारा बैग है और ये हमारा झोला है। झोला के अंदर मिसेज ने कुछ हमें दिया था, तो खैर हमने भी चेक नहीं किया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आप जैसे कि देख लीजिए क्या क्या दिया है इन्होंने। ये ओ आईसी, एक बाटल दिया पानी भर के और इसमें जो है कि पूड़ी है और लिट्टी बना के दिया है। और यहाँ पे जो है कि चना वगैरह कुछ डाल के भूजा उसने बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ देहात में सफ़र के लिए यही दिया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी समय तक रह जाता है और ख़राब नहीं होता है। तो कुल मिला के हमारे यहाँ से मुंबई का दूरी है 1700 किलोमीटर, तो तकरीबन हमें 36-37 घंटा लगेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुका है और सुबह का अभी नियर अबाउट 6:30 हो रहा है। तो अभी हम लोग पूरा रात का सफ़र कर चुके हैं और फिलहाल हम पहुंचे हैं कानपुर से आगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रेन है और पूरा रात गुजरने के बाद से ये हमारे फ्रेंड्स मिले हैं। अभी बात करने के बाद से पता चला कि ये हमारे पड़ोसी गांव के हैं। तो हम लोग का अभी जो है कि फ्रेश हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई चाय वाला आए तो थोड़ा हम लोग चाय पियेंगे। तो हम लोग का सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा, जैसे कि हम रात को वीडियो में ही बतलाए थे 1700 किलोमीटर का सफ़र है और हम लोग नियर अबाउट 500 किलोमीटर का सफ़र हम लोग तय कर लिए हैं। और अभी आगे भी हम लोग का यानी कि पूरा दिन चलना रहेगा और पूरा रात, उसके बाद से कल सुबह में 4 बजे के करीब हम लोग पहुँचेंगे LTT। ट्रेन हमारी फुल स्पीड में चल रही है।
तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है 4:30 और अब हम पहुंच चुके हैं LTT यानी कि लोकमान्य तिलक मुंबई। इसी स्टेशन पे हमें आना था और फ्रेंड्स, जहां पे हमें रहना है वह रूम यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि अभी अंधेरा है, थोड़ा उजाला होने का वेट करेंगे और उसके बाद से हम ऑटो पकड़ के अपना रूम पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम बात करेंगे दूसरे अगले वीडियो में। अभी के लिए ले रहे हैं इजाज़त। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर।